अपने सब विलेज काउंसिल में जो हमारे सेक्रेटरीज हैं जो देख रहे हैं गांव में क्या हो रहा है त्रिपुरा में, उसके बारे में उनको जानकारी देना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था। और एक बात मैं क्लियरली सबको बोलना चाहता हूँ, पैसा से कोई किसी का दिल नहीं जीत सकता। और आज जो त्रिपुरा में हो रहा है हमारे त्रिप्रसा के साथ, कि पैसा दिखाकर हमारा जो इमोशन है, जो हमारा अधिकार है, उसको तोड़ने का कोशिश हो रहा है। तो मैं आज सबसे बैठकर बात करना चाहता हूँ और उनको बोलना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने हमारा शांति और प्यार का वातावरण देखा था, लेकिन अगर इन्होंने हमारे इमोशन के साथ, हमारे अधिकार के साथ, हमारा भविष्य के साथ, हमारे त्रिप्रसा का जो भविष्य है उसके साथ खेलने का कोशिश किया, तो त्रिपुरा, त्रिप्रसा और भूभाग्रा हर गांव में, हर गली में, रास्ते में इनका काउंटर करेगा। ये फाइट, ये जो हमारा फाइट है, हमारा अधिकार का फाइट है, जो ज़मीन का फाइट है, जो लैंग्वेज का, कॉकबोरॉक का, स्क्रिप्ट का फाइट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का फाइट नहीं। आज ये लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, लेकिन हमें बोला जाता है कि कॉकबोरॉक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जाए। मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि ये सब मंत्री, MLA जो BJP में बैठे हैं, उनका खुद का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारा त्रिप्रसा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, रोमन स्क्रिप्ट में लिखे। आज अगरतला में इलेक्शन होता है, असेंबली में इलेक्शन होता है, लेकिन गांव में हमको गरीब रखा जाता है VC काउंसिल इलेक्शन नहीं करके, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमको दबा के, हमको भिखारी बनाकर, हमको तोड़ के ये लोग राज करें। ये नहीं चलेगा। और मैं अपने विलेज काउंसिल को बोलना चाहता हूँ, हमारे विलेज लेवल सेक्रेटरीज को बोलना चाहता हूँ, जोनल चेयरमैन को, MDCs को बोलना चाहता हूँ, EMs को बोलना चाहता हूँ, MLAs को बोलना चाहता हूँ, अब टाइम आया है दिखाने के लिए कि हम लोग सैंकराग भी हैं, हम लोग रेडी हैं। और ये जो उस दिन मैंने BJP का स्टेट प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखा, मंच में शुक्ला बैठा है, मंच में IPFT का सीनियर लीडर्स बैठा है, और ये लोग बोलते हैं त्रिपुरा लैंड होबे ना, त्रिपुरा लैंड होबे ना।